ओम शांति। आज की मेडिटेशन कमेंट्री है विकारों के अंश को समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है। इस मेडिटेशन के अभ्यास से हमारा चित्त शांत होगा। हमारे मन में जो भी कभी व्यर्थ संकल्प या कभी कोई नेगेटिव संकल्प चलते हैं, वह स्वतः ही शांत हो जाएंगे। दिन भर बीच-बीच में यह अभ्यास करने से जो भी विकारों का अंश है, वह स्वतः समाप्त होगा। इन विकारों के अंश को समाप्त करने के लिए बाबा के कुछ महावाक्य आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अव्यक्त मुरली, 28 अप्रैल 1982। विकारों की आग के अंश मात्र से बचने का साधन है अपने आदि अनादि वंश को याद करो। अनादि बाप के वंश संपूर्ण सत्वप्रधान आत्मा हूं, आदि वंश देव आत्मा हूं। देव आत्मा 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। तो अनादि और आदि वंश को याद करो तो विकारों का अंश भी समाप्त हो जाएगा। दूसरी रिवाइज साकार मुरली, 26 अगस्त 2020। बाबा कहते हैं, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की शुद्ध बुद्ध बिल्कुल भूल जाए। एक सेकंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ। ऐसे लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं। यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। तो बाबा के इन महावाक्यों पे आधारित हम बीच बीच में कर्म करते यह प्रैक्टिस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। एक सेकंड में पहुंचाए परमधाम में। मैं आत्मा, एक पॉइंट ऑफ लाइट, संपूर्ण सतो प्रधान स्थित हूं अपने घर में, परम धाम में। परम धाम शांति धाम, चारों तरफ लाल प्रकाश, संपूर्ण आत्माओं की दुनिया है ये। पहुंच जाए शिव बाबा के एकदम पास, समीप पहुंच जाए। फील करेंगे मैं आत्मा, संपूर्ण सतो प्रधान, परमात्मा की संतान। अनुभव करेंगे एक लाइट की तार जैसे शिव बाबा से निकल मुजात्मा में कनेक्ट हो चुकी है। संपूर्ण
एकाग्र हो जाएं स्थिति में। मैं आत्मा स्थित हूं अपने निराकारी स्वरूप में, परमात्मा से कंबाइंड। शिव बाबा सर्वशक्तिमान, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान। अभी एक सेकंड में मैं आत्मा पहुंच गई अपने पहले सतयुगी जन्म में, अपने आदि स्वरूप में। फील करेंगे मैं देव कुल की एक दिव्य आत्मा हूं। सिर पर डबल ताज, संपूर्ण सतो प्रदान, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। मैं देवता हूं। अनुभव करेंगे यह सतयुग के नजारे। चारों तरफ सोने के महल, महलों के आंगन में पुष्प विमान, पक्षियों की बहुत सुंदर आवाज, जैसे एक नेचुरल संगीत। मैं देव कुल की एक रॉयल आत्मा हूं। सामने देखेंगे लक्ष्मी नारायण को, कैसे दिव्य तेज है, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। मैं एक दिव्य आत्मा हूं। मेरे संस्कार रॉयल हैं, मेरे कर्म, मेरे बोल, मेरी मनसा दिव्य है। ओम शांति।